साउथ के सुपर डायरेक्टर सुकुमार को फैंस ने कैसे किया विश, कैसे बॉलीवुड से सीधे टक्कर ली सुकुमार ने, उनकी पुष्पा ने कैसे मचाया धमाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, साल 2021 की शुरुआत भले ही साउथ इंडियन फिल्म मास्टर की वजह से देश में डंका नहीं बजाया भाई, मतलब कि जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र थे वहां पर इसका सिक्का नहीं चला, लेकिन तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की नई फिल्म पुष्पा पार्ट 1 ने उत्तर भारत में हंगामा मचा दिया, हिंदी फैंस में जोश जगा दिया और फिल्म निर्माता जो हिंदी के हैं उनको सोचने पर मजबूर कर दिया, जो कहानी के बजाय सिर्फ अब तक सितारों के पीछे भागते थे। फिल्म पुष्पा के निर्देशक सुकुमार बताते हैं कि दरअसल एक वेब सीरीज के सिलसिले में वो लाल चंदन की तस्करी पर रिसर्च कर रहे थे। दक्षिण भारत से जापान को होने वाली लाल चंदन की तस्करी के आंकड़ों ने उन्हें हैरान कर दिया और तब उन्हें लगा कि ये पृष्ठभूमि तो किसी फीचर फिल्म के लायक है। निर्देशक सुकुमार इससे पहले भी अभिनेता अल्लू अर्जुन के साथ दो फिल्मों आर्या और आर्या 2 बना चुके हैं। वो कहते हैं अल्लू अर्जुन ने उत्तर भारत में अपना एक अलग दर्शक वर्ग बनाया है और ये दर्शक वर्ग उनकी हिंदी में डब होकर सैटेलाइट पर प्रसारित होने वाली फिल्मों के अलावा यूट्यूब पर भी मौजूद उनकी डब फिल्मों के लिए बना है और हमेशा उन्हें देखता रहता है। इसी के चलते पहली बार अल्लू अर्जुन को बड़े पर्दे पर देखने का मोह उनके फैंस को भारी संख्या में थिएटर्स की ओर खींच ही लाया। सुकुमार का कहना सही भी है, फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम के सामने जब हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े सितारे को अपनी फिल्म रिलीज करने की हिम्मत नहीं हुई तो अल्लू अर्जुन सामने आए और पुष्पा पार्ट 1 को भरोसे के साथ रिलीज किया ये काम। दोस्तों, फिल्म बाहुबली को सुकुमार भी दक्षिण भारतीय सितारों की उत्तर भारत में डब फिल्मों के जरिए होने वाली पहुंच का टर्निंग पॉइंट मानते हैं और इस पर बातचीत करते उन्होंने कहा कि हिंदी सिनेमा, तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा ये सब अब बीते दिनों की बातें हैं, अब समय भारतीय सिनेमा का है और फिल्म अगर अच्छी होगी, कहानी उसके दर्शकों को भाएगी तो उसकी मेकिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी और अब देश की हर भाषा की फिल्म हर भाषा के दर्शक को देखने को तैयार है। वहीं दोस्तों, कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने दिखा कि किस तरह से ऑडियंस थिएटर से बच रही थी, लेकिन उन्होंने जब फिल्में बनाई तो हर कोई थिएटर की ओर खींचा चलाया। पुष्पा के हिंदी डब के बाद अब इंतजार है पुष्पा पार्ट 2 का और इस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि पार्ट 2 की तैयारी हम 2 महीने बाद कर देंगे, यानी कि शूट शुरू होने वाला है। आपको कितनी पसंद आती है सुकुमार की फिल्में, उन्हें विश करना ना भूलें नीचे कॉमेंट सेक्शन में और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।